धार जिले के पीथमपुर में बड़ी घटना सामने आई है, जहां 10 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बालक घर पर बिना बताए अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था, इसी दौरान पैर फिसलने से तालाब में गिर गया था। पीथमपुर के संजय जलाशय में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें लगभग 10 वर्षीय बालक कार्तिक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कार्तिक व उसके हम उम्र दोस्त घर पर बिना बताए तालाब पर आए थे। तालाब में पांव फिसलने पर कार्तिक डूबने लगा, तभी साथ आए उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की। ऐसे में बचाने गए बच्चे भी डूबने लगे। बच्चों को डूबते देख पास ही काम करने वाले मजदूरों ने तालाब में छलांग लगाकर दो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन हादसे में कार्तिक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये तालाब में एक बच्चे की मृत्यु का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि बोंजा तालाब में कुछ 8-10 बच्चे नहाने के लिए गए थे, उसमें से एक बच्चा पानी के अंदर नहाते नहाते डूब गया है। उसकी सूचना पर तुरंत मैं एवं मेरे सहायक कुमार के बी मिश्रा योगी जी प्रधान आरक्षक महेश के साथ में तुरंत मौके पर आए। वो तालाब में आम जनता की मदद से एक बालक को निकाला, जिसको बाहर निकाला तो उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका नाम बता बच्चों ने बताया कार्तिक, पिता परसराम निवासी मनमानू कॉलोनी का बच्चा था, जिसकी प्राथमिक जांच असल जीरो पे मर्ग कायम कर लिया है और मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। मृतक कार्तिक का शव पोस्टमार्टम हेतु डाक बंगला सरकारी अस्पताल में भेजा जा रहा है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम है सहायक उप निरीक्षक कमल किशोर। पीथमपुर से दीपक उपाध्याय की रिपोर्ट।